गजरा जागा अंग अंग सारा हम राजा दुल्हन भाभी मुझे कुछ नहीं हुआ मैं चला जाता हूं। दुल्हन भाभी आप पैसे दें सौदा मैं लाती हूं। हाँ हाँ बिल्कुल ठीक कह रही हो निगार तुम। मैंने तो नौरीन को मना भी किया था। अरे भाई बच्चों का क्या है कुछ भी बना लेती वो खा लेते। देखो बीबी हमारे यहाँ की औरतें सब्जी गोश्त के लिए यूं कसाई की दुकानों पर नहीं जाती। अब बाजी अगर तुम्हें अपने आराम के लिए रखने का प्लान कर रही हैं, तो मैं तो यूं बैठकर बोरी नहीं हो सकती। माम जी मुझे दीजिए। अच्छा नहीं लगता अब मैं बीवी हूँ मैं ले जाऊंगी। वैसे भी सिकंदर को बुरा लगेगा अगर मैं नहीं गई। इसे कहते हैं एक्टिंग। अब तो सबको यकीन हो गया होगा कि हम दोनों में बहुत प्यार है। मैं भी देखती हूँ कब तक सिकंदर की बीवी रहती है। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि मुझे सिकंदर के पास जाने से रोको। मैं तुम्हें बता भी नहीं सकता कि तुमने खाना लाकर कितना बड़ा काम किया है। मुझे इतनी भूख लग रही थी सोच रहा था कि हिम्मत करके किचन में जाऊं लेकिन ये सोचा ही नहीं था कि खाना खुद यहाँ आ जाएगा। मुझे ख्याल था कि आपको भूख लगी होगी। चलिए अब खाना खा लें फिर दवाई ले लीजिएगा। हाँ यार बुखार कम ही नहीं हो रहा। एक्चुअली मैं ऑफिस से ऑफ भी नहीं ले सकता ना। खैर तुम ये बताओ कि तुमने खाना खा लिया ना। तबीयत आपकी खराब है आप तो खाना खाइए। अच्छा बाबा खा रहा हूँ। अरे वाह तुम तो अच्छा खाना बनाती हो भाई वरना मुझे तो आजकल खाने में कुछ अच्छा ही नहीं लग रहा। आपको अच्छा लगा मैं तो डर रही थी। इसमें डरने की क्या बात है मैं तो कुछ भी खा लेता हूँ लेकिन वाकई खाना बहुत मजे का। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि अब यकीन कर लीजिए कि ये खाना मैंने ही बनाया। सिर्फ बनाया ही है या खाया भी है। ये लो, खाओ। अरे भाई खाओ ना। अरे भाई सुबह से भाग दौड़ करियो अगर खाओगी नहीं तो कैसे चलेगा। लो खाओ। और अब ये निवाला हमारी दोस्ती के नाम। अरे आप खाइए मेरा इतना ख्याल मत करें। इसमें ख्याल रखने की क्या बात है खाने का वक्त है खाना तो खाना ही है ना। चलो खाओ शाबाश। काहे ये रख दिया नसीबा। नौरीन तुम्हें बजिया बुला रही अब। हाँ मैं बस आ ही रही थी। बैठो। वो बैठो। वहां हम बजे से जाकर कहो कि ये थोड़ी देर बाद आएंगे।
अब इतने मजे का खाना बनाया तो मेरे साथ खा भी लो, चलो साथ में खाते हैं। खाओ ना। सिकंदर ने नौरीन को रोक लिया, वो कह रहा है थोड़ी देर बाद आएगी। हैं? क्या कह रही हो? भाई सिकंदर ने नौरीन को मना कर दिया, अब वो नहीं आएगी, आप इंतजार मत करें। देख रही हो तुम, मुन्ने की इतनी मजाल हो गई है। तुमने कहा था कि मैंने बुलाया? जी मैंने कहा था, और नौरीन तो आ भी रही थी, सिकंदर ने हाथ पकड़ के रोक लिया तो उस बिचारी को रुकना पड़ा। तो अब्बा, तुम्हारे सामने हाथ पकड़ लिया उसने? तौबा 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 तौबा, अस्तगफिरुल्लाह। इस घर में अब देखिए आप क्या क्या बेशर्मियां होंगी, मुलाहिजा फरमाइएगा आप। जैसे शर्म लिहाज तो अब रुखसत ही होने वाला है। ओए ये लड़की कुछ ज्यादा ही आजाद मिजाज है, इसके घर वाले तो ऐसे नहीं है। अरे निगार, उसके घर वालों को छोड़ो, यहाँ तो खुद अपने घर वाले बेलगाम हो रहे। सुना नहीं क्या कहा इसने, मुन्ने ने खुद हाथ पकड़ के रोक लिया उसको। उफ मेरे खुदा, मुन्ना तो ऐसा नहीं था। खैर, जो लड़की अकेली पैर पटकती बाहर सौदा लेने जा सकती है उससे कोई बैद नहीं है। माना मुन्ने ने रोक भी लिया था तो भाई खुश शर्म होनी चाहिए थी उससे, थोड़ी सी लिहाज होना चाहिए था, आ जाना चाहिए था मेरे बुलाने पे। खैर फिक्र ना करो तुम, खुद देखती हूँ। आपको ये करने की क्या जरूरत थी? क्या करने की? ये जो आपने किया है, मुझे रोक लिया, माँ हम क्या सोचेगी? क्या सोचेगी? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो क्या सोचती, सोचती तो सोचती रहे। क्यों फर्क नहीं पड़ता? आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। एक्टिंग थी यार, क्या हो गया? हम दोनों ने यही तय किया था ना कि घर वालों के सामने मियां बीवी बनने की एक्टिंग करेंगे, तो ये वही था। और वैसे भी जिनकी नई नई शादी होती है वो यही सब करते हैं। अच्छा, और नहीं तो क्या? बस उनके और हमारे दरमियान ये फर्क है कि वो मोहब्बत में ये सब करते हैं और हम एक्टिंग में करेंगे। तो हमें सबके सामने करना पड़ेगा। हाँ बाबा, सबके सामने ही तो किया जाता है। ऐसी छोटी छोटी बातों से ना दूसरों को लगता है कि इनके दरमियान बहुत मोहब्बत है। तुम्हें नहीं पता? नहीं। हाँ तुम्हें पता भी कैसे हो, आफ्टरऑल ये तुम्हारी पहली शादी है ना। लेकिन मुझे यकीन है कि शादी की एक्टिंग हम सीख जाएंगे। नौरीन, क्या हो गया भाई? हम खाने पर तुम्हारा इंतजार ही करते रह गए। जी बस मैं आई गई थी। भाई बहुत गलत बात है मुन्ने, तुमने भूखा प्यासा बिठाया हुआ इस बिचारी को, और फिर भी कितना हंस हंस कर बात कर रही है तुमसे। नहीं नहीं बजिया, ऐसी बात नहीं है। तो फिर कैसी बात है मुन्ने? मैंने माहम को भी भेजा है कि नौरीन को खाने के लिए बुला लाए, लेकिन तुमने बिचारी को रोका हुआ अपने पास। चलो नौरी, अब मैं खुद आई हूं तुम्हें लेने। अरे जाने दो भाई, आ जाएगी खाना खाकर वापस। जी जी जाइए, खाना खाइए। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। बैठो। भाई माना के नई नई शादी के बाद लड़कियों का दिल शौहर में ही अटका रहता है, लेकिन हर वक्त कमरे में रहना कोई अच्छी बात नहीं, इससे लड़कियों का इम्प्रेशन कुछ अच्छा नहीं पड़ता। नहीं बजिया, मैं तो बस इन्हें खाना देने गई थी। अरे नौरीन,
निगार तो तुम्हें छोटा समझ के समझा रही है, क्यों निगार? बिल्कुल भाई, अब हर बात लड़कियां मैके से सीख कर तो नहीं आती, कुछ शर्म, लिहाज, तमीज ससुराल आकर भी आ ही जाती है, क्यों? और नहीं तो क्या? लो भाई चलो, ये लो खाना खाओ। माना के कोफ्ते बनाए बड़ी गनीमत है, लेकिन इतने बुरे भी नहीं बनाए वैसे। हाँ खाओ खाओ, शाबाश। मैं जरा अभी आई अंदर से। क्या हुआ दुल्हन भाभी? अल्लाह, तोरीन कमर का दर्द। अरे सोच रही थी कि किचन के बर्तन बर्तन धो दूं, किचन साफ कर दूं, कमर के दर्द से हिला ही नहीं जा रहा। आप फिक्र क्यों करती हैं, मैं कर दूंगी। अरे सुबह से लगी हुई हो, थक गई होगी, मैं कर लूंगी हिम्मत करके, कोई बात नहीं। दुल्हन भाभी आप अपनी तबीयत देखिए, मैं कोई नहीं थकी, आप जाइए, जाके आराम कीजिए। अल्लाह नौरीन, सच में मुझे तुम जैसी ही देवरानी चाहिए थी। अहमक दब्बू और नौकर तबीयत। बेटा यूं अपना घर कौन सुना करता है भाई, तुम्हारे अब्बा कुछ भी करें, मैं तो तुम्हारे और बच्चों के बगैर मर जाती। वही तो मैं इसे कह रही थी कि अम्मी की जान काशिफ और मरियम में है, ये बेचारी खुद बहुत परेशान थी। अरे परेशान क्यों नहीं होगी भाई, अपना घर छोड़कर कौन खुश होता है। अच्छा चलो अब जो तुम्हें कहना है कह दो। बच्चों के बारे में सोच के परेशान हो जाती, अम्मी तो मुझे बेटी समझती लेकिन अब्बा ने मुझे हमेशा गैर समझा। नहीं बेटा ऐसी बात नहीं है, अब वो घर के बड़े हैं, घर के लिए जो फैसला किया है उन्होंने तो सोच समझ कर ही किया होगा ना। अम्मी फैसला गैरों के लिए होता है, अपने सगे इकलौते बेटे के साथ ऐसे गैरों जैसा सलूक कौन करता है। अरे मैं कह रही हूँ ना सब ठीक हो जाएगा, मुझे मेरा भाई बहुत प्यारा है और तुम्हारे दम से ही तो हमारा महका है भाई, मुझे इस घर में से कोई हिस्सा नहीं चाहिए, मैं लिख के दे दूंगी। हैं हैं अपिया क्या कह रही हैं? हाँ हाँ मैं नौरीन से भी लिखवा दूंगी, तुम बताओ तुम्हें भाई प्यारा है या घर का हिस्सा? क्या है भाई ये क्या बात हुई अपिया, आप हमेशा बहनों की तरफ से सब कुछ खुद ही तय कर लेती हैं। क्योंकि मैं सबसे बड़ी हूँ। चलो अब तुम कह दो कि तुम्हें कोई हिस्सा नहीं चाहिए। भाई अम्मी मुझे नहीं पता, जो अब्बा कहेंगे बस वही होगा। देखा देखा मैंने कहा था ना, इस घर में वही होता है जो अब्बा चाहते हैं। मैंने भी कुछ कहा है, बस तुम देखती जाओ। आपको जो लग रहा है ना कि ये लड़की बड़ी मासूम है, अल्लामिया की गाय है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपने देखा नहीं कैसे उसने बजिया और सिकंदर को अपनी मुट्ठी में ले लिया? और मुझे तो ये अरेंज मैरिज कहीं से नहीं लग रही, क्योंकि अरेंज मैरिज में इतनी जल्दी मियाँ बीवी की अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, और यहाँ तो लग ही नहीं रहा कि अरेंज मैरिज हुई है। ये सब सिकंदर का काम तो नहीं है ना, इस लड़की की चलाकी कर गई सब कुछ। आप कुछ सोच रही हैं या बस मेरी बातों को ऐसे ही टाल रही हैं? अरे टालूंगी क्यों, मुझे भी एहसास है नौरीन कोई बच्ची नहीं है। कहाँ एहसास है आपको, अगर एहसास होता ना तो अपना किचन उसके हवाले नहीं करती। किचन तो जागीर होती है एक औरत की, और कोई औरत अपनी जागीर किसी के हवाले नहीं करती। अरे बाबा वो साफ सफाई के लिए संभाला था उसने। अभी सफाई के लिए संभाला है और बाद में संभाल कर आपका सफाया कर देगी, पर आप मुतमईन बैठी रहिएगा और घर पर उसका कब्जा भी हो जाएगा। और मैं ये सब कुछ होने दूंगी है ना, लग तो यही रहा है मुझे। चुप करो तुम बेवकूफ लड़की। खैर नौरीन भी है तो घुन्नी, ऊपर से तो दुल्हन भाभी करती रहती है,
पर दिल में इसके क्या है पता नहीं। ये बात मैं आपको यही समझाना चाह रही थी, आप इतना एतबार मत कर लीजिएगा। सीधी है हमें टेढ़ी उंगलियां कर लेगी और आपको पता भी नहीं चलेगा। तो 102 बुखार है और आप कह रहे हैं कि कुछ नहीं है। कुछ नहीं है ना, अभी चाय के साथ गोली लूंगा ठीक हो जाऊंगा। कोई गोली नहीं ले रहे आप, चलें डॉक्टर के पास चलते हैं। डॉक्टर के पास जाके क्या करूंगा, वैसे भी मुझ में अभी हिम्मत नहीं है डॉक्टर के पास जाने की। हिम्मत हो जाएगी, अब बस उठे। तुम उठो और जाके मेरे लिए एक कप चाय लेकर आओ। डॉक्टर के पास क्या करना है जाके? आप डॉक्टर के पास क्यों नहीं जाना चाहते? बस यूं ही, मैंने कहा ना हिम्मत नहीं हो रही अभी। कह तो रही हूं, क्यों हिम्मत होगी भी नहीं। वैसे अगर कोई और बात है तो आप बता दीजिए। नहीं बस मैं डॉक्टर के पास नहीं जा सकता। क्यों? वो एक्चुअली मेरे पास डॉक्टर की फीस के पैसे नहीं है, और फ्री में तो कोई चेकअप करेगा नहीं। बस इतनी सी बात है, आपके पास पैसे नहीं है तो क्या, मेरे पास तो है। और वैसे भी दोस्ती में उधार चलता है। मैं कल परसों चला जाऊंगा, इतनी कोई जल्दी भी नहीं है। एक तो मुझे आपकी ये बातें समझ में नहीं आती, कभी कहते हैं कि हम दोस्त हैं और कभी एक पल में पराया कर देते हैं। फिकर मत करें, अगर दोस्त बन के पैसे दे रही हूं ना तो दोस्त बन के पैसे वापस करने भी पड़ेंगे। तो फिर चलिए खान क्लिनिक। खान क्लिनिक? आपको याद है खान क्लिनिक? खान क्लिनिक वो, अरे जहां पर हम दूसरी बार लड़े थे। यार वैसे हम कहां नहीं लड़े, कभी सड़क पे, कभी मार्केट में, कभी पार्क में, कभी क्लिनिक में। कितना लड़ती हो? मैं लड़ती हूँ या आप? आप कोई नहीं। कोई? हाँ खुद ही लड़ते थे, चलें बूठे हैं। वरना अब वरना क्या, फिर लड़ोगे? मैं नहीं लड़ती। सत्रह सौ है, देखा आगे ना काम। यार तुम्हारे को पहले वाले पैसे भी मैंने अभी तक नहीं दिए और अब ये। आप भी ना, आप छोड़े इन बातों को, चलें वरना देर हो जाएगी। उठे अरे तुम दोनों कहाँ चले भाई? बजिया इनकी तबीयत बहुत खराब है, सुबह से बुखार ही कम नहीं हुआ, इसलिए डॉक्टर के पास जा रहे हैं। अरे वाह, अम्मी के साथ साथ मुन्ने के नखरे नौरीन ने भी उठाना शुरू कर दिए। अरे भाई तुम अकेले क्यों नहीं चले जाते, नौरीन को फजूल में परेशान किया हुआ तुमने। मैंने तो कहा था कि मुझे डॉक्टर के पास नहीं जाना, लेकिन ये बजिया, ये तो डॉक्टर के पास जाना ही नहीं चाह रहे थे, मैं ही इन्हें जबरदस्ती ले जा रही हूँ, और वैसे भी ये अकेले कैसे जा सकते हैं। ऐसा भी क्या हो गया तुम्हें मुन्ने, अब बेचारी नई नवेली दुल्हन को ऐसा भी मत डराओ। नहीं डरने की बात नहीं है, हार में तो चक्कर आ जाते हैं, इसीलिए मैंने सोचा कि मैं इनके साथ चली जाती हूँ। ठीक है भाई, जाना है तो चले जाओ, मैं क्या कह सकती हूँ। भजिया अगर आप कहें तो आपकी गाड़ी में चले जाए। नहीं
ये लो। अरे नहीं, आप कोई नहीं पूछेगा। तो ना पूछे, तुम इसे फ्रेंडशिप बैंड समझ के रख लो। पहले अम्मी काफी थी इनको मुन्ना बनाने के लिए, एक तुम और आ गए इनके लाड उठाने के लिए। घर में कुछ भी हो जाए, कोई भी मुसीबत टूट पड़े, मुन्ने ही बने रहते। आखिर हुआ क्या दुल्हन? अरे नौकरी चली गई है तुम्हारे भाई साहब की,